Hi guys, namaste. Welcome back to my channel and I am Suman. फेस्टिव सीजन गया बट देकर गया आपको बहुत सारा बेली फैट. बेली फैट जो होता है वो बिल्कुल बिल्कुल भद्दा दिखता और बहुत ज़्यादा लूज स्किन दिखती है. जब मेरा वेस्ट साइज 38 वेस्ट का था, मैं ड्रीम करती थी 28 वेस्ट का. सो आज मैं 28 वेस्ट जब मैं वेयर करती हूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आता है और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे आता है. सेकेंड इज, मैंने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था प्रतिमा के ट्रांसफॉर्मेशन का. प्रतिमा का वेस्ट साइज ऐसा था, अब वो ऐसे दिखती है. सो यहाँ पे ना ये जो चीज़ें होती हैं करने के लिए थोड़ा सा पेन लेना पड़ता है. आपने सुना होगा ना, देर इज़ नो गेन विदाउट पेन. सो हमें पेन तो लेना ही पड़ेगा. यहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैट बेली की डाइट की और हम फ्लैट बेली कैसे ले सकते हैं और बेली के फूलने का रीज़न क्या होता है. कल मैं क्लाइंट कॉल ले रही थी एंड उनका पूरा बॉडी बिल्कुल बैलेंस है, मैनेज है, हर वेट इज़ 58-59 एंड उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, उनका बेली बहुत लटका हुआ है. जब मेरी कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ी तो मैंने उनसे समझा कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या क्या है. सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि अगर आपका पूरा बॉडी शेप में है, सिर्फ और सिर्फ आपका बेली बाहर है, उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं. पहला रीज़न क्या है, जो लोग नाश्ता करे बिना घर से बाहर निकलते हैं, जो सुबह उठ जाते हैं 4 बजे 5 बजे, जितनी भी वर्किंग मदर्स हैं, जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं, वो कहती हैं कि मैं अपना ऑफिस पहुँच के बच्चों को खाना दे के, हस्बैंड का खाना पैक करके, घर वर संभाल के तसल्ली से ऑफिस जाके खाना खाऊंगी. जब आप इतने लंबे समय तक भूखे रहते हैं आपके बॉडी ऑलरेडी एसिड प्रोड्यूस करना चालू कर देती है एंड वो रिजल्ट होता है टमी के स्वेलिंग का. सेकेंड इज, आपका अगर बेली बाहर है, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, आपकी ओवरीज अच्छे से क्लीन नहीं हो रही है और आपका पीरियड का फ्लो अच्छे से बाहर नहीं आ रहा है. नंबर थर्ड रीज़न यहाँ पे मैं लेके चलती हूँ, आपके मील्स में बहुत लंबे लंबे गैप होना, बहुत ज़्यादा लंबे गैप होना. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ बहुत इंटेलिजेंट क्लाइंट्स हैं जो सुबह नाश्ता कर लेते हैं और उनको लगता है कि मिड ब्रेकफास्ट स्किप करने के बाद उनका वेट जल्दी अच्छे से जाएगा, तो सीधा लंच करते 3 बजे, विच मीन्स उन्होंने सुबह 8 बजे का ब्रेकफास्ट करा हुआ और वो 3 बजे जाके खाना खा रहे हो. फिर और समझदार लोग हैं मेरे पास, 3 बजे का लंच करने के बाद उनको लगता है कि इवनिंग स्नैकिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही टीज लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो सीधा रात के 9 बजे डिनर करते हैं. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. विच मीन्स मील्स का गैप लंबा होने की वजह से आपके टमी के अंदर कुछ जा नहीं रहा, आपका सिस्टम अपने आप वर्क कर रहा है, इक्वल टू वो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है और वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दे रहा है और आपके टमी को भूख लग रही है. भूख लगने के साथ वो एसिड इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है कि टमी बलून की तरह बाहर आ गया है. नंबर फोर्थ रीज़न इज, आपका इंटेस्टाइन आपकी डाइट से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, ना लार्ज इंटेस्टाइन ना स्मॉल इंटेस्टाइन. आपके इंटेस्टाइन में ह्यूज स्वेलिंग है जस्ट बिकॉज आप ना ही प्रॉपर फाइबर ले रहे हैं, ना प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हैं, ना प्रॉपर कार्ब ले रहे हैं, ना नेचुरल लैक्सेटिव अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, एज वेल एज आप सिर्फ जंक खाना खा रहे हैं, इररेगुलर टाइमिंग पे इररेगुलर चीज़ें खा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, आपको कॉन्स्टिपेशन का मैसिव इशू है. अब इन सारे मुद्दों को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए एक स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल एंड अ डाइट. तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं एक फ्लैट बेली की डाइट की. अगर आप इसको तसल्ली से तरीके से फॉलो करते हो, बेसिक चीज़ों से, लाइक आपके घर के अंदर जितनी भी आम सामग्री पड़ी है, मंडी में जो बेसिक सामान मिलता है, आप इजीली फ्लैट बेली लेंगे 10-15 डेज के अंदर एंड यू विल बी शॉक्ड कि आपका टमी अंदर चला गया है, क्योंकि आपका इंटेस्टाइन हैप्पी हो जाएगा, आप लॉट्स ऑफ फाइबर अपनी बॉडी के अंदर डालेंगे, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा और 10-15 दिन के डाइट के बाद अगर आपको जो पीरियड्स आएगा नेक्स्ट, उसका फ्लो भी अच्छा जाएगा. ये डाइट कैसे स्टार्ट करनी है, सबसे पहली चीज़ आपने सुबह उठ के अपना वेट चेक करना है और अपने बेली के इंच नापने हैं. नंबर टू, मॉर्निंग ड्रिंक के अंदर हम लेंगे ग्रीन जूस विद लॉट्स ऑफ फाइबर. नाउ ग्रीन जूस के अंदर हम कैसे बनाएंगे, मैं रिसेंटली 75 डेज चैलेंज पे हूँ और मैं ग्रीन जूस डेली बेसिस पे ले रही हूँ. नाउ ग्रीन जूस जो हम लेंगे उसके अंदर हम डालेंगे करेला, घिया, वाइट पेठा एंड आंवला. इन तीनों का कॉम्बिनेशन का हम जूस बनाकर लेंगे, किसी भी तरीके का नमक और शुगर इसके अंदर नहीं डालना. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की. नाउ ब्रेकफास्ट का टाइमिंग हमारा जो होगा वो 9:30 से पहले विंटर्स का ब्रेकफास्ट होगा. नाउ ब्रेकफास्ट के अंदर हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है हाई प्रोटीन सैंडविच और वो कैसे बनाना है हम चलते हैं किचन में. ओके, हाई प्रोटीन सैंडविच के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे होल व्हीट ब्रेड या फिर ब्राउन ब्रेड, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं यहाँ पर. इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर हमारा हम्मस. होममेड हम्मस आप यूज़ कर सकते हैं, हरी चटनी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई सी भी होममेड अपनी तिल की चटनी हो गई, टमाटो सालसा हो गया, जो भी आपका घर का बना हो आप वो लगा सकते हैं. यहाँ पे मैंने लगाया मेरा हम्मस. नेक्स्ट यहाँ पे मैं लगाऊंगी मेरे टमाटर, थोड़े से प्याज और यहाँ पे है मेरे पास टोफू,
इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा हमारा सैंडविच है, थोड़ा सा हार्ड है टोफू हमारा। नेक्स्ट इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला, इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक, लगाएंगे हमारा ब्रेड। बिना घी का मैं इसको सेकूंगी, ऊपर लगाऊंगी मैं एक दो ड्रॉप घी ताकि ना ये चिपके ना। अब इसको हम ग्रिल करेंगे बहुत अच्छे से। ओके सो हियर वी गो। द सैंडविच एंड ब्रेकफास्ट इज रेडी। नाउ ब्रेकफास्ट के अंदर अगर आपको सैंडविच लेने का मन नहीं है, आप उसके अलावा वेराइटीज़ ऑफ सैंडविच की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे है, आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हो। और सैंडविच लेने का मन नहीं है तो दलिया एंड किनुआ का सैलेड गुड टू गो। अब मिड ब्रेकफास्ट आता है। नाउ मिड ब्रेकफास्ट के अंदर आपके पास कोई भी एक फ्लेवर्ड ग्रीन टी होनी चाहिए, कोई सी भी ग्रीन टी, जस्ट नॉर्मल डिप डिप वाली ग्रीन टी भी चलेगी। उसके साथ आपने लेना है आपके सीजनल फ्रूट, और फ्रूट के ऊपर डालना है हमने लॉट्स ऑफ सीजनिंग विच इज योर पम्पकिन सीड, चिया सीड एंड सनफ्लावर सीड। ओके नेक्स्ट इज मिड ब्रेकफास्ट। नाउ मिड ब्रेकफास्ट के अंदर हम लोग लेंगे हमारी ग्रीन टी, और ग्रीन टी के साथ हम लेंगे हमारे फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट, और उसके साथ हमको ऐड करना है बहुत सारा चिया सीड एंड पम्पकिन सीड। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर मिड ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं जी लंच की तरफ। नाउ लंच में हम बनाते हैं हमारा हाई फाइबर ओट्स पुडिंग। नाउ ओट्स पुडिंग कैसे बनाना है चलते हैं किचन में। यहाँ पे हम बनाएंगे ओट्स पुडिंग। सो ओट्स पुडिंग के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए मेरे पास ये रोल्ड ओट्स, एंड इसको मैंने डाल दिया मेरे पैन में। इसको बहुत अच्छे से हम थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा मिल्क। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा होममेड कोकोनट मिल्क। आप फुल फैट मिल्क, नॉर्मल मिल्क, कोशिश करना अगर डेयरी फ्री मिल्क आप यूज़ कर सको। उसको बहुत अच्छे से अब हम पकाएंगे, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ओके इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ी सी मेरी किशमिश, 10 से 15 दाने। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं इस पर डालूँगी मेरे काजू, थोड़े से हम डालेंगे इसके ऊपर हमारे पम्पकिन सीड्स, थोड़े से मैं इसके ऊपर डालूँगी मेरे चिया सीड्स। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से हमारे सनफ्लावर सीड्स, एंड सबसे अच्छी चीज़ इसके ऊपर हम डालेंगे हमारे 2 से 4 वॉलनट्स। ये रहा हमारा ओट्स ड्राई फ्रूट पुडिंग, बिल्कुल रेडी है। एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लंच। नाउ लंच में अगर आप ओट्स पुडिंग नहीं लेना चाहते, मेरे चैनल पे चिया सीड पुडिंग है, बेसिल सीड पुडिंग है, इसके अलावा मेरे चैनल पे यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ीज़ हैं, वेराइटीज़ ऑफ कोल्ड कॉफ़ीज़ है, अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते हैं, मेरे पास टिक्कीज़ की वेराइटीज़ ऑफ रेसिपीज़ है, आप कोई भी टिक्की की रेसिपीज़ ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। नाउ इवनिंग टी के अंदर मैं बनाऊंगी हमारी पील टी, फ्लैट बेली पील टी, एंड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, कैसे बनाना है चलते किचन में। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं पील टी, और इसके अंदर पानी डाला है अदरक का पील और नींबू का पील। अब हम इसे बॉईल करेंगे। हियर वी गो, दिस पील टी इज, सो दिस इज रेडी। अब हम बात करते हैं जी डिनर की। नाउ डिनर का ना सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है, पता है ना अभी तक तो आपको। डिनर में अच्छी नींद के लिए और विंटर्स के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दूंगी शीरा। मेरे चैनल पे बहुत सारे शीराज की रेसिपी है, बहुत अच्छी नींद आती है उसको लेने के बाद। आप बेसन शीरा ले सकते हैं, आप सूजी का शीरा ले सकते हैं, कोकोनट ओट्स का शीरा ले सकते हैं, रागी का शीरा ले सकते हैं, इनमें से कोई भी शीरा आप पिक कर सकते हैं। शीरा पीने का मन नहीं है, यू कैन हैव सूप। हाई प्रोटीन सूप्स है मेरे चैनल पे, रागी का सूप रिसेंटली मैंने इंट्रोड्यूस करा है विच इज़ लाइक रिच इन प्रोटीन। नेक्स्ट इज आप टमाटो सूप ले सकते हैं, आप पम्पकिन सूप भी ले सकते हैं। ये सारे सूप्स की रेसिपीज मेरे चैनल पे हैं। अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। सो नाइट ड्रिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपका टमी सुबह उठकर फ्लश ऑफ करेगा एंड आपको वाटर रिटेंशन नहीं होने देगा। नाइट ड्रिंक में हम बनाएंगे त्रिफला पाउडर। नाउ त्रिफला पाउडर कैसे बनाना है चलते हैं किचन में। ओके नेक्स्ट यहाँ पे हम त्रिफला पाउडर बना रहे हैं। मेरे पास पतंजलि का त्रिफला पाउडर है, ये मैंने लिया जस्ट हाफ स्पून। थोड़ा सा त्रिफला का शॉट ही हमें बनाना है नाइट ड्रिंक के लिए। ये डाला मैंने इसमें आधा कप पानी, इसको किया हमने मिक्स, एंड हमें जस्ट ये एक शॉट ही बनाना है। रेडी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जी वाटर की।
पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है किसी भी डाइट के अंदर। 3 से 3.5 लीटर का पानी आपने लेना ही लेना है। अपने इंटेस्टाइन को हैप्पी रखना है, उसको बिल्कुल हाइड्रेट रखना है, एंड किसी भी तरीके का ड्राइनेस आपके टमी में नहीं आना चाहिए अगर आपको फ्लैट बेली चाहिए तो। एंड इसके साथ साथ अगर आप स्किपिंग कर सकें या थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकें, वॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऐड करेगा। सो ये था पूरा फ्लैट बेली का डाइट। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका बॉडी ठीक हो चुका है बट बेली नहीं गया। ट्राई माई दिस डाइट एंड ट्रस्ट मी, आपका बहुत अच्छे से बेली फैट रिड्यूस होगा। आई रियली वॉन्ट कि एवरीबडी शुड लुक परफेक्ट, एवरीबडी शुड लुक हेल्दी, एंड अपने आप को फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, एंड लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। सो या दैट्स इट, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।